65 वर्षीय रेखा का जन्मदिन और उनके जन्मदिन पर आपको हम बताना चाहेंगे आज रेखा की जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच जिससे शायद आप अब तक अनजान होंगे, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ये सच है कि एक बार रेखा की जुबा से ऐसे शब्द सामने आ गए थे, ऐसे शब्द बाहर आ गए थे कि इसके बारे में सोच कर ही लोग कांप उठते हैं। जी हाँ, रेखा ने बताया था कि मुझे मेरा निधन यानी कि मेरी जिंदगी कुर्बान है, मुझे मंजूर है मेरी ना जिंदगी रहना, लेकिन मुझे मंजूर नहीं एहसान, बेबसी का एहसान। जी हाँ, उन्हें अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बेबसी का एहसास उन्हें तकलीफ देती है, और ये बात उन्होंने कहा था। जी हाँ, 66 साल की रेखा ने अमिताभ बच्चन से ना मिलने पर, अमिताभ बच्चन के साथ ना मिलन होने पर ये दुख जाहिर किया था। दीवानगी अमिताभ बच्चन के लिए रेखा की जो आज तक कम नहीं हुई, उस रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपनी दीवानगी के सारे हदे पार कर दिए थे। रेखा की बेबसी ने उन्हें इतना मजबूर किया कि वो अपनी बात अपने दिल में दबाने के लिए मजबूर हो गई। रेखा की मांग में सिंदूर पर हमेशा सवाल खड़ा किया गया, उनके चेहरे में खूबसूरती को हमेशा उनकी मुस्कान के साथ रौनक बढ़ाते देखा गया है। ऐसे में उनकी ज़िंदगी जो रहस्य से भरी है उसकी बात करते हुए आपको बता दें, खुद ब खुद ज़ुबान पर जिस रेखा के नाम से अमिताभ का नाम भी आ जाता है, उनके मोहब्बत का इजहार रेखा ने तो किया लेकिन अमिताभ ने कभी नहीं किया। लेकिन आज हम आपको बता दें, अमिताभ बच्चन से रिश्ते ख़त्म होने पर एक बार रेखा ने कहा था, मुझे मंजूर है कि मैं दुनिया में रहूँ ना, लेकिन ये मंजूर नहीं कि बेबसी का एहसास झेलूँ। और ऐसी ही ज़िंदगी उन्हें मिली। साल 1983 में कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी ना रहने के बीच जो जंग था, उसमें रेखा अमिताभ बच्चन अलग हो चुके थे, फिर भी रेखा अमिताभ बच्चन को देखने चली आई थी, हॉस्पिटल उनकी एक झलक देखने चली आई थी। ये खबर कई बार सामने आई। रेखा को इस हादसे के बाद बहुत बड़ा धक्का लगा था और रेखा को जया ने उनसे मिलने तक नहीं दिया। तब उन्होंने बयान दिया था कि सोचिए, मैं उस शख्स को ये नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है, और मुझे मंजूर थी कि मैं ना रहूँ, लेकिन वो इस स्थिति से गुजरे, ये बहुत तकलीफ दे है। रेखा के लिए अमिताभ का प्यार बहुत खास रहा, भले ही पर्दे पर ही क्यों ना रहा, लेकिन हमेशा अमिताभ ने रेखा के साथ रिश्ते को नकारा, जिसकी वजह से ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग ही रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।